आज के लेक्चर में क्लास 12 का हम लोग फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 4 देखेंगे और इसमें क्या देखना है हमें, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्वोलेशन टूर्नामेंट देखा था, उसका पिक्चर भी ड्रा किया था। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने राउंड रॉबिन देखा था, उसके पहले हमने नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाना सीखा था। इस टूर्नामेंट इसके बारे में हमको पहले सबसे पहले जानना है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है और किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कई चीजों को जोड़ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे कई तरह के टूर्नामेंट का आपस में कॉम्बिनेशन, यानी फर्स्ट राउंड में कोई और मेथड, सेकंड राउंड में कोई और मेथड। तो पहला इसका जो पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी दोनों राउंड में क्या होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट ही करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉकआउट कम राउंड रोबिन, उसके बाद नॉकआउट कम रॉबिन राउंड राउंड रोबिन कम राउंड रोबिन, यानी लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, पहले लीग फिर नॉकआउट, पहले नॉकआउट फिर लीग, इस तरह से इसके कई टाइप्स हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी दोनों राउंड में नॉकआउट टूर्नामेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो फिक्सर ड्रा करके दिखा रहा हूँ वो इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए दिखा रहा हूँ। जब टीम्स का नंबर इवन हो तो इस तरह से सबसे पहले हम फोर पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे उसको, फोर पार्ट में पूरी टीम को इक्वली डिवाइड कर ले रहे हैं। जैसे 16 टीम के लिए हम बता रहे हैं, उसके बाद ऑड वाला भी बताएंगे, जैसे 17 टीम आ गई या 15 टीम है तो कैसे करेंगे। तो 15 टीम को फोर पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो एक में एक या दो टीम 15 को रहेगा तो एक टीम अकेली रह जाएगी, तो फिर उसको बाय देंगे और बाय किसको देंगे, फिर वो अगले राउंड में किससे खेलेगा, ये सब प्रोसीजर बताया जाएगा। पहले हम सबसे सिंपल जो है उसको बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ टीम्स को फोर जोन्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो अगर नंबर ऑफ टीम्स 16 है तो इक्वली फोर टीम्स फोर राउंड्स में फोर जोन्स में डिवाइड हो गए। हर जोन में फोर टीम्स हैं जिसका इजीली हम मैच करवा सकते हैं नॉकआउट का, हर टीम का नॉकआउट बेसिस पे हम मैच कराएंगे। जैसे फर्स्ट जोन पे देखिए 1 2 3 4 हमने नॉकआउट बेसिस पे जब कराया इसका टूर्नामेंट तो एक विनर निकल के सामने आएगा। इसी तरह से फोर जोन से फोर विनर्स आएंगे और उन फोर विनर्स का हम एक सेमीफाइनल करवाएंगे जो नॉकआउट बेसिस का होगा, क्योंकि यह हमारा मेथड कौन सा है, नॉकआउट बेसिस नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस, यानी नॉकआउट ही दोनों राउंड में करना है। तो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया हमने तो चार विनर मिले हमको और उन चार विनर का हम एक और मैच करवाएंगे नॉकआउट बेसिस का, इसमें जो विनर होगा वो टूर्नामेंट का ओरिजिनल विनर कहलाएगा। पहले क्या करेंगे, फोर जोन्स में डिवाइड करेंगे, फोर जोन के विनर को लेंगे और फिर उनका मैच करवाएंगे। तो ये नॉकआउट से थोड़ा सा बेहतर होगा, जो सिंगल नॉकआउट होता है उससे थोड़ा सा बेहतर टूर्नामेंट होगा, क्योंकि हर जोन में, अब जोन भी बनाते टाइम हम ये देखते हैं कि जो थोड़ी सी वीक टीम्स हैं उनको एक राउंड में एक जगह रखेंगे, यानी टक्कर की टीमों को एक पास रखेंगे। तो इस वजह से जो बहुत कमजोर है वो पहले राउंड में बाहर नहीं होगा, जो बहुत अच्छा है वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से जीतता सब चला जाए, कहीं ना कहीं उसका मुकाबला यहाँ पे सेकेंड राउंड में किसमें होने वाला है, विनर्स से ही होने वाला है, क्योंकि फोर टीम्स ये जो विनर निकल के आ रही है ये सब अपने जोन की विनर है, चैंपियन है। तो जब चार चैंपियन का मैच होगा तो वो ज्यादा रोमांचक होगा। तो ये बहुत सिंपल है, पहले क्या करेंगे फोर जोन में डिवाइड करेंगे, फोर जोन में हम नॉकआउट अप्लाई करेंगे, फिर वहां से फोर विनर्स को मिलेंगे, उनका फिर से नॉकआउट हम अप्लाई करेंगे, उसमें जो विनर होगा वो फाइनल विनर कहलाएगा। जैसे 16 टीम के लिए देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट में 1-4, सेकेंड में 1-4, थर्ड में 1-4 और फोर्थ में 1-4 टीम्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट राउंड में मैच होगा 1-2 का और 3-4 का। सपोज किया हमने कि इसमें विनर 1 है और इसमें विनर 3 है, तो फिर इनका मैच कराएंगे और इनमें एक विनर होगा, हमने सपोज किया 3 विनर है। सिमिलरली जोन बी में 1-2 का मैच हुआ तो सेकंड विनर रहा, थर्ड फोर्थ का मैच हुआ तो फोर्थ विनर रहा, फिर इनका मैच हुआ तो फोर्थ विनर रहा, ऐसा हमने सपोज किया है। विनर कोई भी हो सकता है, थर्ड सेकंड या फोर्थ। थर्ड जोन में जोन सी में 1-2 का मैच हुआ तो सेकंड विनर, थर्ड और फोर्थ का हुआ तो फोर्थ विनर, फिर सेकंड और फोर्थ का हुआ हमने सपोज किया फोर्थ विनर है इसमें,
जोन डी में 1, 2, 3, 4 तो पहला मैच 1-2 का हुआ जिसमें 1 विनर हुआ, थर्ड फोर्थ का हुआ तो विनर थर्ड रहा, फिर इन दोनों का आपस में मैच हुआ नॉकआउट तो इसमें विनर 1 हुआ, यानी इस जोन में विनर 3 जोन 3 नंबर की टीम थी वो एक भी मैच नहीं हारी, जोन बी में 4 नंबर की टीम कोई मैच नहीं हारी, फिर जोन सी में 4th नंबर वाली टीम कोई मैच नहीं हारी थी क्योंकि नॉकआउट करा रहे थे इससे पहले हम, तो अगर एक भी मैच हारा होता तो यहां तक नहीं पहुंचते। इसी तरह से जोन डी में नंबर 1 की टीम जो थी वो एक भी मैच नहीं हारी थी। अब ये चारों अपने अपने जोन के विनर हैं, इनको हम यहां पे ले आके फिर दूसरा राउंड कराने जा रहे हैं, मतलब दूसरा एक और नॉकआउट टूर्नामेंट। विनर 3 ऑफ जोन ए, जोन ए का जो विनर था नंबर 3 की टीम उसका, फिर जो विनर 4 ऑफ जोन बी, जोन बी का जो विनर था विनर 4, विनर 4 ऑफ जोन सी, जोन सी में भी कौन विनर था 4, एंड विनर 1 ऑफ जोन डी, और फिर इनका नॉकआउट टूर्नामेंट हमने जोन ए और जोन बी के विनर का कराया जिसमें विनर 4 हुआ, यानी जोन बी का जो विनर था वही विनर हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे विनर 4 जोन सी और जोन डी के विनर का जब मैच कराया तो जोन डी का नंबर 1 वाला जो टीम था वो विनर हुआ, फिर इन दोनों का फाइनल होगा, इसमें जो विनर होगा हमने सपोज किया है 4 विनर है जो किसका था जोन बी का था और ये फाइनलिस्ट रहेगा यानी यही चैंपियन होगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का फर्स्ट पार्ट था यानी फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।